प्रेज लॉर्ड, गुड मॉर्निंग। आज का दिन यहोवा ने बनाया, हम उसमें आनंदित हो जाए और मगन हो जाए। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। हर दिन परमेश्वर हमको देता है, हर दिन हम प्रभु से प्रार्थना करना है, प्रभु को धन्यवाद करना है और हर दिन आनंदित रहने के लिए प्रभु चाहता है। और आज परमेश्वर आपकी जो योजना है, आप मुझसे जो चाहता है कि मैं क्या करूं, जो मैं करूं वो मैं कर सकूं, आपकी इच्छा को मैं पूरा कर सकूं, एक प्रार्थना आपके मन के अंदर, आपके अंदर हमेशा होने पाए। प्रार्थना नो, जितना हम प्रार्थना करेंगे उतना हमारा प्रभु के साथ की रिश्ता गहरा और दृढ़ हो जाएंगे। इसलिए और प्रार्थना करने के लिए प्रभु आपको सहायता करें। हर दिन सुबह प्रार्थना के साथ शुरू करें, मन के अंदर भी एक प्रार्थना चले। तीसरा यूहन्ना पहला अध्याय उसका दूसरा आयत, तीसरे यूहन्ना का पत्री एक ही अध्याय है उसका दूसरा आयत है, मेरे प्रिय मेरी ये प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसा ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। हे प्रिय, मेरी ये प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसा ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। यूहन्ना गायोस नामक एक प्रभु की दास को, एक व्यक्ति को लिखा हुआ एक पत्र है, एक अध्याय का पत्र है। उस पत्र में उनके लिए एक प्रार्थना कर रहा है। वो प्रार्थना यही है कि गायोस, जैसे आप आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे आप हर बात में भला चंगा करें, रहे और उन्नति करें। संदेश यही है, अगर आप आत्मिक उन्नति करेंगे तो आप हर बात में उन्नति करेंगे और आप भला चंगा रहेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपको आत्मिक उन्नति करना है। पहले परमेश्वर का राज और धार्मिकता, प्रायोरिटी परमेश्वर, प्रायोरिटी प्रार्थना, प्रायोरिटी आत्मिक जीवन, प्रायोरिटी आराधना, प्रायोरिटी परमेश्वर की वचन, प्रायोरिटी पवित्र आत्मा। जीवन की प्राथमिकता, प्रथम स्थान, पहला स्थान जब हम परमेश्वर को देते हैं, प्रार्थना आराधना को देते हैं, जब आप आत्मिक उन्नति करेगा, आपके आत्मिक मनुष्य का उन्नति के लिए, आत्मिक बढ़ोतरी के लिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए जब आप आगे बढ़ेंगे, बाइबल का वचन ऐसा है कि आप हर बात में उन्नति करेंगे और भला चंगा रहेंगे। यूहन्ना का प्रार्थना है, आप हर बात में उन्नति करेंगे और भला चंगा रहेंगे। आज मेरा भी प्रार्थना यही है आप सबके लिए जो भी मेरा वचन को सुनते हैं, पहला आप प्रभु का प्रभु में बढ़ते जाए, आत्मिक उन्नति करें, आपके भीतरी मनुष्य बलवंत होते जाए, आप आत्मिक उन्नति करें, उसके साथ साथ आप हर बात में उन्नति करेंगे, उसके साथ साथ आप भला चंगा रहेंगे, हर बात में उन्नति करेंगे और भला चंगा रहेंगे। परमेश्वर आपको आशीष देंगे, परमेश्वर की महिमा के लिए आपको इस्तेमाल करेंगे। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू, गॉड बी विद यू। शालोम।